राष्ट्रीय डाक सप्ताह के दौरान चीफ पोस्ट मास्टर जनरल हरियाणा परिमंडल श्रीमती रंजू प्रसाद की अध्यक्षता में अंबाला के GTO में फिलेटली दिवस मनाया गया। इसमें इस मौके पर 3 विशेष आवरण में आदि बद्री मंदिर, कपाल मोचन व सरस्वती उद्यम स्थल के फ्लैटली जारी किए गए। हरियाणा परिमंडल की चीफ पोस्ट मास्टर जनरल श्रीमती रंजू प्रसाद ने लंबे समय से डाकखाने से जुड़े खाताधारियों को सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने डाक विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न परियोजनाओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान डाक विभाग के कर्मचारियों ने सराहनीय काम किया है, जिस कारण इस मौके पर उन्हें भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर उन्होंने फ्लैटली पर विशेष आवरण जारी किए गए, जिनमें आदि बद्री मंदिर, कपालमोचन, सरस्वती उद्यम स्थल, जिला यमुनानगर पर जारी किए गए हैं और उन्होंने इस जगह से आए प्रतिनिधि का भी स्वागत किया। हमारा भारतीय डाक विभाग हर साल ये 6 दिनों का एक पोस्टल वीक मनाता है, जिसमें हमारे विभाग में जितने भी स्कीम्स हैं, जैसे फिलैटेली है, मेल्स है, सेविंग्स है, PLI RPLI है, वर्ल्ड पोस्ट डे, ये सारे ये मनाए जाते हैं अलग अलग दिन में। और इस दिन इससे संबंधित जो भी लोग हैं, जैसे आज आपने देखा कि जैसे जो सेविंग्स में हमारे साथ 40 सालों से जुड़े हुए हैं, सोचिए कितना जनरेशन्स बदल गया, वो लोग इतने साल से हम लोगों से, ये जो पब्लिक जुड़ी हुई है, जो कस्टमर्स हमारे एस्टीम्ड कस्टमर्स जुड़े हुए हैं, उनको हम लोगों ने सम्मानित किया। और इनके एवज में कोई उसमें होता है स्मृति चिन्ह, जैसे होता है वो स्मृति चिन्ह का परिचायक है कि हम लोग कोई, जैसे स्पेशल कवर में हम लोगों ने यहाँ का जो स्पेशल है हरियाणा में, उसको हम लोगों ने लेकर के चुना, उस पर हम लोगों ने स्पेशल कवर निकाला। आपको पता ही है, चाहे कपाल मोचन हो, चाहे ये सरस्वती उद्यम स्थल हो, या फिर हम लोगों ने इसको डेडिकेट किया कोरोना वॉरियर्स को। जैसे इस समय इस अद्भुत जो बिल्कुल ही अलग तरह का जो समस्या आ गया, जो संकट आ गया था कोरोना के समय में, उस समय में भी उसको भी हम लोगों के डिपार्टमेंट के लोगों ने जितनी अच्छी तरह से अपनी जिम्मेदारी को निभाया, वस्तुतः अपने जान की परवाह नहीं करते हुए उन्होंने डाक बांटा, मेडिसिन्स बांटा, PPE किट्स दिया, कहीं जैसे मेडिसिन्स जो बहुत ज़रूरी थे मेडिकल कॉलेजेस में, वहाँ पर दिया, लोगों में इसका वितरण किया। लोग कहीं निकल नहीं पाते थे, बैंक्स में नहीं निकल पाते थे, तो उनको IPPP के जरिए उनको उन लोगों ने 10,000 तक पेमेंट किया, जा करके उनको भी हम लोगों ने ये डेडिकेट किया है। वस्तुतः ये सच में अद्भुत है उनका काम और उनका सहयोग।